नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त तरुण और आप मेरे साथ देख रहे हैं टेक विद तरुण। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप अपने रेडमी फ़ोन के कैमरा एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए जब आप अपने रेडमी फ़ोन में कैमरा को ओपन करेंगे तो मॉड्स में जाके जब आप सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ आपको पिक्चर क्वालिटी नॉर्मली आपकी स्टैंडर्ड पे सेट होती है, इसको आप हाई पे सेट कर सकते हैं। आप अपने फ़ोन में यहाँ ब्रश शूट पे होता है, इसे फोकस पे क्लिक कर सकते हैं जिससे आपके अच्छे बेहतरीन फोकस शॉट आ जाते हैं। और यहाँ पर आप पिक क्लिक करने के बहुत अमेजिंग ऑप्शन है। यहाँ आप नॉर्मली शटर बटन से फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, आप अपने वॉल्यूम की से क्लिक कर सकते हैं या आप अपने फिंगरप्रिंट से क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा दो और आपके पास ऑप्शन होते हैं जिसका बहुत ही कम लोगों को पता होता है, जिसका जैसे कि आप जब फोकस करते हैं तो उसके बाद यहाँ आपको कैमरा जैसे ही शो होता है उस पर क्लिक करके भी आप पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। और उसके अलावा एक बेहतरीन ऑप्शन रेडमी के फ़ोन्स में आपको मिल जाता है जिसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, जो आपको पहले से शटर बटन मिल रहा है नीचे वाइट कलर का, उससे आपको ऊपर की तरफ को स्लाइड करना है। तो यहाँ एक ट्रांसपेरेंट सा शटर बटन आपको मिल जाता है, इस पर क्लिक करके भी आप पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। ये आपको यूजुअली पिक्चर्स क्लिक कर बहुत आसानी से क्लिक करने देता है क्योंकि आपके फ़ोन्स यूजुअली बड़े होते हैं तो आपका हाथ हर कॉर्नर में नहीं पहुंच पाता। तो जहां आपका हाथ इजीली पहुंच सकता है आप इसे वहां पर रख के इजीली अपनी पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। और इससे आप अपने विदाउट शेकी पिक्चर्स भी क्लिक कर सकते हैं। तो ये एक काफ़ी अमेजिंग फीचर है मेरे नज़र में। और आप वीडियो एफिशिएंसीज को भी बढ़ा सकते हैं। जब आप वीडियो में जाएंगे तो मोड्स में जाके आप यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, टाइम लैप्स और स्लो मोशन। स्लो मोशन से आप और ज़्यादा कुछ नहीं, बस स्लो मोशन में अपनी वीडियोस को सेव कर सकते हैं या क्लिक कर सकते हैं, जो बहुत ही अमेजिंग ऑप्शन है मेरी नज़र में। और यहाँ सेटिंग्स में जाके आप वीडियो क्वालिटी को HD पे, फुल HD पे सेट करेंगे, या आपको नॉर्मली HD पे मिलता है। और फोकस मोड को यहाँ आपको टैप पे मिलता है, ये नॉर्मली आप इसे कॉन्टिन्यूस ऑटो फोकस पे क्लिक कर सकते हैं। जब आप इसे कॉन्टिन्यूसली ऑटो फोकस पे क्लिक करेंगे तो आपको जैसे ही आप कहीं पे फोकस करते हैं तो जैसे आपका बार बार नहीं तो फोकस करना पड़ता है अगर आप, पर जब आप इसको इस पे सेट कर देंगे तो चाहे आपके बीच में कोई भी आए ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद जहाँ आपने पहले फोकस किया होगा वहाँ फोकस कर लेता है। तो दोस्तों ये भी मेरी नज़र में एक अमेजिंग फीचर है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और भी ऐसी वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।